अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज संडे है और संडे को एक बार फिर से मैंने ट्राई किया है कि कुछ खुद से बनाऊं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है कि घर वाले इस वक्त मौजूद नहीं है घर में, तो सेल्फ कुकिंग करना होगी मुझे। उसके लिए आज मैंने जो सोचा है वो है जी, मतलब चिकन को मैंने ना फ्राई करना है, तो उसके लिए मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने उसमें ऐड करनी है। और शेयर तो करूंगा, खाऊंगा, आई थिंक मुझे खाना पड़ेगा, वो शेयर कैसे कर सकूंगा, लेकिन टेस्ट बताऊंगा कि टेस्ट कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की कुकिंग। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा, ये 1.5 kg हमारे पास चिकन है। इसको सबसे पहले मैंने अच्छे तरीके से वाश कर लिया। वाश करने के बाद इसके ऊपर कट मैंने लगाए हुए, ये आप देखेंगे अभी इसके ऊपर कट लगाए हैं हर पीसीस के ऊपर। और इसमें जो मैंने अभी मसाला मैंने लगा दिया, उसमें ये है कि उसमें सबसे पहले मैंने सोया सॉस यूज़ किया है, वेनेगर यूज़ किया है, चिली सॉस, उसमें कॉर्नफ्लावर है, चिकन टिक्का है, बेसन है, नमक और काली मिर्च, ये इसमें मैंने ऐड किया है सबसे पहले इसको, और अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद इसमें अभी ये काली मिर्च वगैरह और ये कॉर्नफ्लावर भी मैंने ऐड करना है इसके अंदर। जो मैंने पहले चीज़ें ऐड कर दी थी, उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च ऐड करनी थी और कॉर्नफ्लावर वगैरह ऐड करना था, वो अभी मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। लेकिन अभी मैंने क्या किया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं फ्रीजर के अंदर थोड़ी देर रखूँगा, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर जो हमने मसाला वगैरह लगाया है, इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ की हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए और इसके अंदर उनके जो टेस्ट हो वो ऐड हो जाए, ताकि खाने का जो मज़ा ना वो दोबारा हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसे ले चलूँगा मैं फ्रीजर के अंदर। हाँ हेलो गाइस, तो 2 घंटे बाद मैंने इसको फ्रीजर से निकाला है, ठंडा भी हो चुका है और इसके अंदर जो मैंने मसाला जात इसमें ऐड किए थे वो सारे मिक्स अच्छे तरीके से, जो चिकन के अंदर उनका टेस्ट आई थिंक पूरा प्रॉपर तरीके से चले गया होगा इतने टाइम के अंदर। तो अभी क्या है, ओ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ये देखना, ताकि मैं चाह रहा हूँ ये गिर ना जाए। इसको मैंने खाना भी है, इतनी मेहनत जो मैंने की ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मेन चीज ये जो कभी कभार अपनी ये कुकिंग वगैरह बनाती है ना, तो ये लेडीज जो काम करती है ना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। गर्मियों में भी, सर्दियों में, जिस तरह का मर्जी मौसम हो, उन्होंने किचन के अंदर आके काम करना होता है और मर्दों को खाना रेडी करके देना होता है। लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं वो कभी कभी उनको जब डिसऑर्डर करते हैं तो अच्छी बात नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ है वो आपको पसंद हो ना हो, तो उसमें किसी किस्म का नुक्स ना निकालें, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। और अगर आप जो चीज़ भी बनी हो उसको टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद आप हल्की सी भी तारीफ कर देना, तो वो उनको उससे वो इंकरेजमेंट उनको मिलती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। यही उनका रिवार्ड्स होता है बेसिकली, और तो कुछ नहीं आप रिवार्ड्स दे सकते, लेकिन जो उनको आप तारीफ देते हो ना, ये उनका रिवार्ड्स होता है और बहुत खुश होती हैं। और नेक्स्ट टाइम से वो इससे भी बेहतर कोशिश करती हैं हम अच्छे तरीके से बनाएं। तो ये लेडीज के लिए आपको रिवार्ड्स देना चाहिए उनको अच्छे तरीके से इसका फीडबैक दे के। तो अभी क्या करेंगे जी, अभी मैं रख देता हूँ इसको, मेरे अभी मुँह में पानी आना शुरू हो गया अभी से। तो अभी हमने क्या किया, अभी हम चूल्हे के ऊपर मैंने फ्राई पैन इसके अंदर रख दिया, इसके अंदर ऑयल वगैरह डाल दिया है उसको गर्म होने के लिए। हम छोड़ेंगे, जब गर्म हो जाएगा तो ये 1 by 1 इसमें मैं ऐड करूँगा और इसको फ्राई करूँगा और फिर निकालना भी साथ साथ शुरू करो। गाइस, मैंने आग में जला दिया क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी करने के लिए ना आग की थोड़ी जो रफ्तार हो तेज़ की हुई है, ताकि जल्दी से गर्म हो। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात होनी चाहिए क्योंकि मैंने कभी कभार करना होता है और मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये गर्म ज़्यादा होगा तो मेरे लिए मसला होगा, इसके चींटे वगैरह मेरे ऊपर पड़ सकते हैं, मुझे वो जलन वगैरह भी मेरी बॉडी पर फील होगी उससे। तो मैं इसको कहूँगा दरमियान से करके, ताकि इसको जल्दी से बनाऊँ और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अभी गाइस, ऑयल की आवाज़ भी आना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना मैंने, मैं मेरे लिए डेंजर ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैंने लो फ्लेम कर दिया, अब मैं इसमें फर्स्ट पीस ऐड करूँगा और उसको दी। तो गाइस, आई एम रेडी फॉर फ्राई दिस चिकन, बट इट्स वेरी डेंजरस फॉर ये देखें अभी मेरा, मैं मुझे पता है कि ये जब इसके अंदर ऐड होगा ना तो क्या रिएक्शन इसका ऑयल का होगा, तो मेरा मुझे डर भी लग रहा है। ओहो, I think, oh, wow.
मैं कोई एक्सपर्ट कुक नहीं हूँ, इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है इसके अंदर। तो अभी आवाज़ तो आपको आ रही होगी, लेकिन जब बनेगा तब भी आपको फिर होगा और इसका टेस्ट होगा क्या है। टेस्ट यार मुझे ज़ाहिर है ना भी अच्छा होगा, मुझे मैंने घर कुछ रेडी किया तो मैं अच्छा कहूँगा इसे। तो ये अरे अच्छा कहीं ऐसा भी नहीं करना हो भाई। मैंने वही बात की ना कि ये गलती हुई थी, अभी यहाँ पे मैं कहूँगा ये हुई कि मैंने ऑयल को ज़्यादा गर्म कर लिया था, तो इस वजह से मैंने अभी एक पीस डाला है। तो इससे ये नुकसान होगा कि अगर इसी के अंदर मैं दूसरे पीस भी करूँगा ना फ्राई, तो मे भी ये इंटरनल जो इसका चिकन का होगा ना वो सारा मटीरियल कच्चा रहेगा, ऊपर से पक जाएगा तो वो खाने का मज़ा नहीं आएगा। मैंने इसलिए अपने दोनों ज़्यादा रेडी कर लिए हैं इसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो ऑयल के आ रहे हैं छिटे वगैरह उसमें आ रहे हैं वो मुझे फील हो रहे हैं। बचत के लिए भाई कुछ भी करना पड़ेगा, सेफ्टी मेरी यही है इस वक्त। नेक्स्ट फ्रेंड ठंडे बढ़ चुके हैं, मच्छे आ रहे हैं ना पहले तो मैं इतना ज़्यादा ना डर रहा हूँ इस वजह से, चलो मुश्किल है पसीने आना शुरू हो गए हैं। अभी स्टार्ट ही किया काम मैंने, अभी तो बनाना शुरू किए हैं, जल्दी जल्दी डालूँगा। आई थिंक मुझे पहले यही बना लेनी चाहिए फिर ऐसे क्या करूँगा। वाह ठीक है, अभी फ्रेंड इसको ना हल्की आंच को ऊपर ना मैंने ना इसको पकने देना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से ना पके, खाने का मज़ा आए। और पकाते हुए मैं इसको बिल्कुल लाइटली चम्मच वगैरह इसको ऊपर लगा रहा हूँ ताकि इसको ऊपर जो मसाला जाते हैं वो डिस्टर्ब ना हो और वो खाने के टेस्ट में ही आए। लाइट ब्राउन हो चुका है यहाँ पे और मुझे पता चल रहा है कि ये फुल रेडी हो चुके हैं। तो अभी इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये मुझे लगती है नज़र आ रहा है, इनको मैं निकाल लेता हूँ ये पीस को। ये तो पका लेते हैं, टेस्ट में मेरे पानी भी आ रहा है तो अभी बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, अभी मैं टेस्ट नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा ठंडा आने के बाद करेंगे। चिकन और निकाल लेंगे और फिर टेस्ट चेक करेंगे कैसा टेस्ट है। तो गाइस फाइनली मैंने रेडी कर लिया है जो चिकन फ्राई करना था, अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ कि कैसा टेस्ट इसका आया है और वो अभी बताता हूँ आपको। छोटा सा पीस लूँगा, गर्म है अभी बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी सारी सेल्फ एफर्ट्स इसके अंदर सेल्फ कुकिंग की है, मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगा है। तो आप भी कभी इस तरह की छुट्टी हो और घर वाले घर ना हो तो सेल्फ कुकिंग कीजिएगा, और आपको ये कैसी वीडियो लगी वो शेयर पे उसमें कमेंट्स में बताइएगा।
अभी आपको कहते हैं अल्लाह से, दूसरा ख्याल रखिएगा, अपने दोनों याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।